नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। यह वीडियो VOD के रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है, यानी वीडियो ऑन डिमांड पर बनाई जा रही है। संजय कुमार जी की तरफ से कमेंट आया था कि फ्लिपकार्ट पे लेटर का बिल कैसे पे होगा, ड्यू डेट से पहले एक वीडियो डालिए। तो इनका VOD अप्रूव्ड करके यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि फ्लिपकार्ट का पे लेटर का बिल कैसे पे करना होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि यदि आप भी चाहते हैं कि हमारे मनपसंद के वीडियो INT हिंदी टेक पर डाला जाए, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर हमें सूचित कर सकते हैं। जो भी चैनल पर नया नया वीडियो डाले जाते हैं, लेटेस्ट वीडियो डाले जाते हैं, उस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यथाशीघ्र आपका VOD अप्रूव्ड करके वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को हम ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद आप होम पेज पर ही देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है फ्लिपकार्ट पे लेटर, जहाँ पर बिल यहाँ पर 99 रुपये का बताया गया है जो हमें अभी पे करना है। यहाँ पर ड्यू डेट के बारे में बात करें तो ड्यू डेट 10 मार्च लिखा गया है। अगर यहाँ पर आपको शो नहीं होता है तो आपको क्लिक करना है 3 डॉट पे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको माई अकाउंट में जाना है। माई अकाउंट में आने के बाद आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर की ऑप्शंस मिल जाएगी, जहां पर आप देख सकते हो कि आपको लिमिट कितना मिला है, आपने लिमिट में से कितना यूज़ किया है। व्यू डिटेल पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए व्यू डिटेल पर हम क्लिक कर दिए हैं। व्यू डिटेल पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं 5000 रुपये की लिमिट है, जिसमें से 99 रुपया हमने करेंट में यूज किया है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो 99 रुपये का ड्यू डेट है वो 10 मार्च है। इससे पहले आप बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपल से आपको पे बिल पर क्लिक करना होगा। पे बिल पर क्लिक करने के बाद आपको लेके जाएगा पेमेंट पेज की ऑप्शंस पे, जहां पर आप फोन पे से बिल पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोन पे को अगर आप सिलेक्ट करोगे तो फ़ोन पे की UPI सर्विस को ही यूज कर सकोगे, फ़ोन पे वॉलेट से आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद UPI से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या ATM कार्ड से बिल पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नेट बैंकिंग से भी आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर EMI यानी कि ईजी इंस्टॉलमेंट में आप जो है इसे नहीं दे सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी नहीं दे सकते हैं। अब रही बात गिफ्ट कार्ड की, तो गिफ्ट कार्ड से भी आप लोग पेमेंट नहीं कर सकते हैं। बस आपको पेमेंट करना है तो या तो नेट बैंकिंग, UPI या डेबिट कार्ड से आपको बिल पेमेंट करना है। मान के चलो कि आप फोन पे को यूज करते हो तो फोन पे को यूज करते हो तो फोन पे में भी आपको UPI से बिल पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर हम फोन पे को सिलेक्ट करते हैं और अभी हम पे करके दिखाते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चलिए कंटिन्यू कर दिए। कंटिन्यू करने के बाद ये हमें बोलेगा कि फोन पे अकाउंट को लॉग इन कीजिए। अगर आप पहले लॉग इन कर रखे हो तो आपको फिर से लॉग इन करने की जरूरत नहीं होगा, डायरेक्ट ये आपको पेमेंट पेज पर लेके आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 0 बैलेंस इन लिंक्ड वॉलेट एंड गिफ्ट कार्ड, जबकि आपके फोन पे में वॉलेट होगा लेकिन यहाँ पर 0 बैलेंस लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ भीम UPI की ऑप्शंस आ रही है। सेव कार्ड की भी ऑप्शंस है, लेकिन इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर होगा नहीं, देख सकते हो करेंटली अनअवेलेबल बताया जा रहा है। तो भीम UPI पर क्लिक करके उसके बाद अपना बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करो और यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर दो। जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करोगे, UPI पिन आपको डालना होगा। UPI पिन डालने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर UPI पिन हमने डाल दिया और कन्फर्म भी हो चुका है, यानी कि पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। पेटीएम बैंक के तरफ से हमें मैसेज भी मिल चुका है। तो इस तरह से जो है ड्यू डेट से पहले आप जो है फ्लिपकार्ट का पे लेटर का बिल काफ़ी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट यहां पर सक्सेसफुल हो चुका है, यहां पर पेड भी लिखा जा चुका है, आप देख सकते हो। और नीचे में हिस्ट्री में भी बताया गया है कि 99 रुपया हमने यूज किया, उसके बाद यहां पर फ्लिपकार्ट पे लेटर पेमेंट कर दिया 99 रुपया। अब हम बैक कर लेते हैं। अब दोस्तों, हम वापस से माई अकाउंट वाले ऑप्शंस में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा बिल पेमेंट करने के लिए 1 रुपया भी ड्यू नहीं है, टोटल 5000 की लिमिट है। तो इस तरह से जो है काफ़ी आसानी से आप फ्लिपकार्ट पे लेटर का बिल पेमेंट काफ़ी आसानी से कर सकेंगे। बहुत लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर का अगर हम बिल पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्लिपकार्ट पे लेटर का अगर बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो आप पर कुछ लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि
फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करने के लिए आपका आधार कार्ड को वेरीफाई किया जाता है, तो उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर आप पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो आप ऐसा सोच भी ना रखें कि हम फ्लिपकार्ट का बिल पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि ड्यू डेट से पहले हम बिल पेमेंट अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों, यदि आप बिल पेमेंट नहीं करते हो टाइम से, तो आपसे चार्ज लिया जाएगा, जो कि पेनल्टी लिया जाएगा, लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा, जो भी यहाँ पर चार्ज बनता है वो आपसे वसूला जाएगा। अगर मान के चलो नेक्स्ट मंथ में भी आपने पेमेंट नहीं किया, तो जितने मंथ आप पेमेंट नहीं करोगे उतना आपका यहाँ पर चार्ज जो है जोड़ा जाएगा। पेमेंट ड्यू डेट से पहले अगर आप नहीं करते हो या फिर लास्ट डेट में नहीं करते हो तो आपसे चार्ज ज्यादा लिया जाएगा। तो स्पष्ट रूप से इस वीडियो में हमने आपको थोड़ा बहुत अच्छे से जानकारी प्रोवाइड करा दिया है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल हो आपके दिल में तो वे ही चक कमेंट करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।